हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं दो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और ये वीडियो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, और आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चनों को आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम निचोड़ के साथ बताने वाले हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, हम जो क्वेश्चन बताते हैं वो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। मैं जिस क्वेश्चन को बताता हूँ एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और निचोड़ के साथ बताता हूँ। इसलिए दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना और ध्यान से समझ लेना। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान में पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इधर लाइक कर देना। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत से दोस्तों ये समझ रहे होंगे कि अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम तो होंगे नहीं, क्योंकि फिर से कोविड आ गया है, लॉकडाउन लग जाएगा। ये दोस्तों गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम 100% होंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों आज ही हम ये दो क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि लासा 77 और 99 का 693 है, 693 है, तो मासा 77 और 99 का ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में देखने को मिलेगा। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि लासा 77 और 99 का 693 है, 693 है दोस्तों, तो मासा 77 और 99 का ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड को आराम से और ध्यान से देखना। दोस्तों जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हल या सॉल्यूशन लिखते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर हल लिख दिया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मासा ज्ञात करना है, मासा हमें ज्ञात करना है। दिया गया है क्वेश्चन में लासा 77 और 99 का दिया गया है 693 है। ओके दोस्तों, हम क्वेश्चन में ये लिख लेते हैं, जो दिया गया होता है उसे क्वेश्चन में हमें लिख लेना चाहिए। इससे क्या होता है, क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाता है। दोस्तों हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसका मासा हमें इसका ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे लासा 77 और 99 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे मासा 77 और 99। ये दोस्तों लिखने के बाद क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ
पहला क्या दिया गया है, 77। पहली संख्या हमें दी गई है 77, तो 77 लिख लेंगे। फिर यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ क्या दिया गया है, 99, तो हम यहाँ पर 99 लिख लेंगे। इतना दोस्तों करने के बाद, अगर दोस्तों आपके मन में ये डाउट आता होगा कि हमने यहाँ पर 70 और 99 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है लासा और मासा का गुणा, इसलिए दोस्तों हमने 77 और 99 का गुणा किया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें करना है, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है मासा। तो दोस्तों हम इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, हम इस वाले पद को, इस वाले पोर्शन को पूरा ट्रांसफ़र करके यहाँ नीचे ले जाएंगे। तो दोस्तों नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, ये होगा 77 और 99, 77 और 99 ये होगा 77 और 99। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया था 77 और 99 बराबर दिया गया था 693, 693। दोस्तों इसके स्थान पर हमें 693 को रखना है, 693 को रखना है। दोस्तों हम 693 को यहाँ पर रख देंगे, तो हम फिर से लिख लेंगे 77 गुणा 99 और अपॉन में लिख देंगे 693, 693, 693 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लासा दिया गया था, लासा 77, 77 और 99 का 693। ओके दोस्तों, फिर अब हम यहाँ क्या करना है, और हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अगर कोई संख्या किसी से कट रही है तो उसे काट देंगे, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 99 और 693 कट जाएगा। कैसे कटेगा दोस्तों, ये हमारा एक बार में कटेगा और ये कटेगा सात बार में, तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगा 77 और अपान में 7। ये दोस्तों कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पर 77 था और यहाँ हमें मिला 1। अगर 77 का गुणा 1 में करेंगे तो मिलेगा 77, और यहाँ पर हमें 7 मिला है तो हमने यहाँ पर 7 को लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ 7 से 77 कट जाएगा, देख लीजिए कैसे कटेगा, 7 इकन्नम 7 और 7 इकन्नम 7, 7 इकन्नम 7, क्योंकि यहाँ पर डबल 7 थे। तो इसका आंसर हमें मिल गया 11, इसका क्वेश्चन हमें मिल गया 11, इसका आंसर मिल गया 11। यही दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है। आई होप दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए होंगे, और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में समझने आ गया होगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों ये आपका नोट हो गया होगा, अब मैं आपको ये दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में चेंज हुआ है, यहाँ पर था हमारा लासा मासा, यहाँ है HCF और LCM। दोस्तों इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम HCF को मासा कहते हैं, LCM को लासा कहते हैं। फिर दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को उसी प्रकार से करना है जैसे कि क्वेश्चन हमने पहला वाला किया था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 को ज्ञात कीजिए, इसका हमें LCM ज्ञात करना है। दोस्तों हमें इसमें LCM दिया गया था, हमें HCF ज्ञात करना था, इसमें हमें LCM ज्ञात करना है, HCF दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देखना।
दोस्तों हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एलसीएम दिया गया है एचसीएफ। तो हमने बताया था जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम हल जरूर लिखते हैं, हल या सॉल्यूशन जरूर लिखना चाहिए। अब दोस्तों हमें जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे। हमें दिया गया है एचसीएफ बराबर 357 बराबर 9, ये हमें दिया गया है, ये हमें दोस्तों क्वेश्चन में। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है हमने उसे लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब हमें उसी प्रकार से लिखना है, हमें यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ 306 और 657 गुणा एलसीएम 306 गुणा 657। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इधर करे देते हैं। फिर हमें बराबर लगाना है, बराबर लगाने के बाद दोस्तों लिखना है 306 गुणा 657। अब दोस्तों हमें ज्ञात करना है एलसीएम, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों एलसीएम को हम इधर ही रहने देते हैं, ये जो एचसीएफ लिखा है एचसीएफ को हम इधर ले आएंगे। एचसीएफ हमारा लिखा है 306 गुणा नहीं दोस्त सॉरी दोस्तों 306 और 657 ये दिया गया है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये हमें दिया गया है 6 यहाँ हमें दिया गया है 9, 306 और 657 दिया गया है 9। दोस्तों इसके स्थान पर हम 9 लिख लेंगे, हमने बराबर का चिन्ह लगाया, फिर 306 गुणा 657 अपॉन में लिखेंगे 9, क्योंकि इसके स्थान पर हमें 9 दिया गया है। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या अगर कट रही है तो हम उसे काट देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए। दोस्तों यहाँ पर 306 9 से कैंसिल हो जाएगा, दोस्तों कैंसिल कर लेते हैं। 3 3 9, 3 3 और ये 0 लगा तो 0 लगा लेंगे, 3 2 6 इतना दोस्तों हमारा कैंसिल हो गया है। अब दोस्तों ये 3 और 102 कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 9 और 3 4 12 दोस्तों यहाँ पर मिलेगा हमें 34 और 657। ये दोस्तों हमें यहाँ पर इतना मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका हमें 34 का 657 से गुणा करना है, फिर इसका हमें आंसर मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग संख्या को नहीं काटना जानते हैं, दोस्तों हमने इस पर वीडियो बना दी है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो को देख लेना। दोस्तों अब हम 34 का 657 से गुणा करेंगे, दोस्तों हमें प्राप्त होगा 22 33 8। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए दोस्तों आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक करना। आप लोग वीडियो को तो देख लेते हैं मगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।